फाइनली शी हल्क का एपिसोड नंबर 1 आ ही गया और वो कैसा था छोड़ो उसे, उसके बारे में आगे बात करते हैं वीडियो में। लेकिन शी हल्क क्या दिखी उसमें, बवाल भाई, इसे कहते हैं असली बवाल। तो चलिए शी हल्क की तारीफ आगे वीडियो में करते हैं, मतलब कि वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो यार, एपिसोड के शुरुआत में ऐसा लगता है कि जेनिफर वॉल्टर ने फोर्थ वॉल ब्रेक की है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो फोर्थ वॉल ब्रेक नहीं था, वो तो बस अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। और उसी सीन में हमें उसकी बहुत सारी डिग्रियां भी बताई गई है, मतलब कि वो कितनी अच्छी है। और फिर कुछ देर बाद वही हमें फोर्थ वॉल ब्रेक कर बता देती है कि वही है शी हल्क। और फिर हमें बताया जाता है फ्लैशबैक, जिसमें आता है असली मजा, मतलब कि ब्रूस और जेनिफर वॉल्टर दोनों एक कार में जाते हैं और दोनों के बीच में कैप के बारे में चर्चा चल रही होती है। अब वो चर्चा क्या है उसके बारे में आखिरी में बात करेंगे, क्योंकि एंड क्रेडिट भी उसी टॉपिक पर है। फिलहाल दोनों कार में जाते रहते हैं और उसी कार में हमें इस बात का भी आंसर मिल जाता है कि शेंची में ब्रूस बैनर बना कैसे, मतलब कि स्मार्ट हल्क से वो ब्रूस बैनर बना कैसे, इस डिवाइस की वजह से। और फिर दोनों के आगे आता है एक सकारियन शिप। और एक बार मैं बता दूं, ये वाला शिप वो ग्रैंड मास्टर का वो वाला शिप नहीं है जो थोर और वैल्करी लेकर भाग गए थे, बल्कि उसी मॉडल का है, मतलब एग्जैक्ट सेम है, बस कलर का फर्क है। और इस शिप को देखकर सभी लोग एक ही थ्योरी बनाने में लगे हैं, वर्ल्ड वॉर हल्क। और इस सीन के बारे में हल्क आगे बोलता भी है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देने आए होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉमिक्स में हल्क का एक बेटा होता है स्कार, ये उसी की इन्फॉर्मेशन देने आए होंगे। खैर ये दोनों बहुत बड़े टॉपिक है, इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे कभी, फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और फिर शिप के सामने आने के बाद ऑब्वियस सी बात है एक्सीडेंट तो होगा ही। और फिर एक्सीडेंट होने के बाद जेनिफर और ब्रूस का ब्लड मिल जाता है और जेनिफर बन जाती है शी हल्क। शी हल्क बनने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और फिर वो जैसे तैसे पहुंच जाती है एक बार में। और वो बार में जाती है तब हमें दिखता है एक रॉक्सोन का बोर्ड, जो कि हमें लोकी के सीजन में भी दिखा था। फिर आगे जाकर बार में शी हल्क की कुछ लोंडो से लड़ाई हो जाती है और फिर एकदम से हल्क वहां आता है और जेन को अपने खुफिया अड्डे पर लेता जाता है। और उस खुफिया अड्डे पे जाने के बाद मुझे कुछ नोटिस हुआ, नहीं टोनी का हेलमेट तो नहीं, वो तो काफी ज्यादा इजी था नोटिस करना, बल्कि जो पीछे एक हेलमेट पड़ा है ये हेलमेट शायद वही है जो थोर रैग्नारोक में सकार में हल्क ने पहन रखा था थोर के साथ फाइट के दौरान। उसके बाद यार कुछ खास नहीं होता, हल्क बस शी हल्क को कुछ ज्ञान देता रहता है। और कुछ खास था तो वो कजन की फाइट, यार वो देखकर मुझे अपने कजन की फाइट याद आ गई, बहुत लड़ता था यार मैं उससे। और इसी फाइट में हमें हल्क का एक अटैक देखने मिला, थंडर क्लैप, जिसका जवाब शी हल्क ने दिया लिटिल थंडर क्लैप्स से। और हमें इस फाइट में ये भी पता चल गया कि हल्क से बेहतर है शी हल्क, जिसे सुनकर कॉमिक्स के फैन तो काफी ज्यादा नाराज ही होंगे। और ये सब होने के बाद हमें प्रेजेंट बताया जाता है कि शी हल्क का कोई केस चल रहा है और वो केस लड़ने आती है, तभी वहाँ होती है एक विलन की एंट्री, तातियाना तो मनी हाइस्ट में थी शायद, पर हाँ ये विलन ही है इसकी। और ये आती है और फिर जेनिफर बनती है शी हल्क में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता यार उसने अपने जूते के उतारे, जूते की बजाय उसे अपना कोट उतारना चाहिए था। और हाँ फिर वो एक घोसे में ही उसके विलन को ढेर कर देती है और यहीं पे एपिसोड खत्म। और फिर आता है एंड क्रेडिट सीन, वही जिसके बारे में मैं बोल रहा था। उसे देखकर ऐसा लगा कि जेनिफर को काफी इंटरेस्ट है कैप्टन अमेरिका की सेक्सुअल लाइफ में या फिर वर्जिनिटी में, जो भी बोल लो। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।